हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग पहाड़ों से। तो मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी एंड नाउ बोला गया था कि हम 7 बजे जाएंगे ट्रैकिंग पे, लेकिन 6:30 बजे निकल गए और वो भी 3 लोग, सिर्फ मम्मी, भैया और भावना जी, वो 3 लोग चले गए हैं। मैंने फोन किया, फिर अब अकेले बताना, क्यान सो रहा है, क्यान के साथ एक जना तो चाहिए, या तो ये या मैं। अब बाकी सारे सो रहे हैं, लेकिन बच्चे भी सुबह उठ गए थे दोनों, अदा और शिवी। तो एट प्रेजेंट तो ये पानी दे रहे हैं पौधों को। पहाड़ों की धूप, पहाड़ों का व्यू। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, सब उठ गए, सब लोग उठ गए अब तो भाई। एंड दिस इज द व्यू, मैं सुबह भी दिखा चुकी हूँ, अब तो बल्कि 10 बजने वाले हैं। तो यहाँ बन रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। तो अदा का नया टैलेंट सामने आया है, अदा बहुत अच्छी बांसुरी बजाती है। यस यस, अभी हमने अभी अभी मैंने अगर गेस किया, जिसने सही गेस किया उसको 1 लाख रुपए का इनाम। गेस करें कमेंट सेक्शन में, गेस करें, हम आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे गाना कौन सा था। चलो अब मैं एक और बात बताती हूँ। आशु सर ने पूरे 5,000 कुछ की एक बांसुरी खरीदी थी, प्रोफेशनल वाली, और उन्हें सीखी हुई है। कुछ नहीं सीखी। तो अब बजा के देखो। वाह, मतलब यार वाह, ये तो जो बेचने आते हैं ना उनसे भी अच्छा बजा रहे हैं। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मैं बता दूं कि लक्ष्य भी इतना ही अच्छा गिटार बजाता है जितनी अच्छी ये बांसुरी बजाता है। घर जाके दूसरी बांसुरी सारे गांव पास गांव वालों ने बेचती थी। बच्चे तो भाई सारे कपड़े प्रेस किए आशु सर ने। मैंने एक बार प्रेस लगाई है तो मैं दिखा रही हूँ कि मैं प्रेस कर रही हूँ कि आंकी टी शर्ट। मैं सच बता रही हूँ, मुझे प्रेस बिल्कुल नहीं आती है, बट मैं कर रही हूँ क्योंकि ऐसे बैठा हुआ है अभी। We are all set, तैयार हो गए हैं हम लोग जाने के लिए वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए। तो यार यहाँ से उतरने का रास्ता बड़ा ही स्टीप सा है। टेम्पू जी तैयार है। देख 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 कैसा खुश हो रहा है। हम 4 बार गलत जगह उतर चुके हैं और फिर चढ़ रहे हैं, बट लुक एट द व्यू। तो अप्रोक्सीमेटली हमें लग गया यहाँ पे आने में 1 घंटा, क्योंकि हम कभी कहाँ जा रहे थे, कभी हम कहाँ जा रहे थे, एग्जैक्टली लोकेशन पे हम पहुँच नहीं रहे थे। अब फाइनली हम पहुँच गए हैं, बट व्यू इज टू डाई फॉर। लेकिन गर्मी है, धूप तेज है। कहाँ होता है, कितने का होता है, सब मैं आपको बताऊंगी अभी, जो भी डिसाइड होता है हमने कितने का किया, क्या किया, हर एक एक्टिविटी। सो जस्ट कीप वॉचिंग। ये गोवा की यादें ताजा करता हुआ यहाँ पे भैया वेटिंग है पूरे 1 घंटे की मोटर बोट के लिए, जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पहले कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं खाने के, मैगी, पाव भाजी, छोले कुलचे, ड्रिंक्स में भी लाइक नींबू पानी वगैरह है, जो बेसिक्स होते हैं, मतलब मिल रहा है। बट बहुत ज़्यादा क्राउड है, अच्छा क्राउड है मतलब। और यस, अब हम लोग पहले कुछ खाएंगे, फिर हम एक्टिविटीज। क्लैपिंग, मुबारक हो 650K ऑन इंस्टाग्राम, ओ मुबारक हो। भाई यहाँ पे होने वाली है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जिसकी वजह से मैंने कर लिया है चेंज क्विक। डरना नहीं है, कोई नहीं गिरेगा। बाय, हैप्पी जर्नी, एंजॉय योर ट्रिप। यो यो, फाइनली फोन ले ही लिया।
मजा आया मान्या? तो यहाँ पे छोटे बच्चों का भी अलाउड है, तो मैंने अभी किया, उनको फोन करके बुलाया इसलिए कि आ भाई तू भी ट्राई कर, देखते हैं अब वो कर पाता है कि नहीं। रुहाली ने तो कर ली भाई, मजा आया। इतना मुंह कैसे सूज गया? जेट स्की पे लग गई। सॉरी सॉरी, तेरा मुंह तो सूजा रहता है ऐसे, लेकिन आज असली में मैंने वो कराया, क्या कहते हैं उसको, लिप सर्जरी, लिप फिलिंग। चौरा पता ही लग रही है। That's how they will do bumper ride, ऐसे सोफे बैठ के जाएंगे आराम से। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। क्यान क्यान कैसा रहा एक्सपीरियंस? सो यूनिक, सो एडवेंचरस, मस्ट एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ की राइड्स टोटली वर्थ इट, बेटर देन गोवा की राइड, क्योंकि गोवा में जो पानी है वो बहुत नमकीन है, यहाँ का पानी बहुत साफ सुथरा है, एक्चुअली साफ तो नहीं है बट नमकीन नहीं है, फ्रेश वाटर है, फ्लोइंग वाटर है। मेरी लग भी गई यार जेट स्की पे ना, बहुत तेज लग गई, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लास्ट में जो बनाना राइड करी, जिन लोगों को भी पानी में रहना पसंद है उनके लिए मस्ट है, मतलब वो राइड तो मिस मत करना। बाकी जेट स्की में भी दो ऑप्शन होते हैं कि आप खुद चलाना चाहते हो या वो आपको चलवाएं, तो हमने खुद वाला लिया था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। कॉस्ट वाइज में सारा अभी होटल पहुंच के चेंज करके फिर सारा बताती हूँ कि क्या कॉस्ट आई, क्या क्या रहा। सो फाइनली वी आर बैक होम। कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि पूरे कपड़े गीले थे, और आई टोल्ड यू ना मेरे लगी है तो मेरा मुंह पूरा ऐसे, आपको लेकर मैंने लिप सर्जरी कराई है बट नहीं, मेरी फ्री की लिप सर्जरी हुई है जेट्स की में मुंह मार के, सीरियसली। बट यस, वी आर बैक होम। बहुत ठंड लग रही थी, मैं मतलब आधा घंटा तो ऐसे ही बैठी हूँ पूरा ये शॉल वगैरह ओढ़ के। अब हिम्मत जुटाई है, पहले नाइट सूट ही पहन लिया था कि अब हिम्मत जुटाई है, थोड़ा रेडी हुई हूँ, ऊपर बॉनफायर लगी हुई है तो गोइंग देयर। जैकेट पहनी है, लेकिन मैंने जैकेट, ठंड लग रही है बहुत यहाँ पे, इस टाइम ठंड लग रही है, दिन के टाइम पे गर्मी सी थी बट अभी ठंड लग रही है, अभी ठंड लग रही है। तो अब हम जा रहे हैं छत पे, और यस अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले छत पे जाने से पहले कि वहाँ क्या सिस्टम था। तो सिस्टम ये था कि वहाँ पे जो जगह थी वो आपको जब भी आप अगर तैहरी आते हैं तो आपको पता चल जाएगी लेक पॉइंट जहाँ पे बोटिंग होती है, तो वहाँ पे हम पूछ के ऐसे मैप वैप पे लगा के पहुँच गए, और वहाँ पे पूरी एक घंटे की वेटिंग थी स्पीड बोट के लिए। तो हम लोगों ने एक स्पीड बोट करी थी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बस बोट ही करनी थी, बाकी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी थी। और एक थे वो लोग, मतलब जैसे 10 लोग ऐसे थे, और जिन्होंने कॉम्बो लिया जिसमें स्पीड बोट भी थी, जेट स्की भी थी, और बनाना राइड और बम्पर राइड में से आप कोई भी एक ले सकते थे। तो कुछ ने बम्पर राइड की, कुछ ने बनाना राइड की। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो जेट स्की दो तरीके की होती है वहाँ पे, एक होती है 250 वाली, एक होती है 500 वाली। 250 में वही आपको चला के लेके जाता है और वापस ले आता है, 500 में थोड़ा दूर का राउंड होता है, वो आपको जेट स्की चलाने को देते हैं। और नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था भाई साहब, मतलब मेरे मुंह पे लग गई थी बट तब भी मजा आया। देन सेकेंड वॉज स्पीड बोट भी, यहाँ पे 30 मिनट्स और 15 मिनट्स का था, तो हमने 30 मिनट्स वाली ली थी, बहुत अच्छी, इतनी दूर लेके गए बहुत अच्छी। देन थर्ड वॉज बनाना बम्पर राइड भी अच्छी थी, जिनने की सबने तारीफ की। हमारी बनाना राइड में क्या था कि वो हमें वहाँ तक लेके जाते हैं और वो फिर डुबा देते हैं, और वहाँ पे आप ऐसे मतलब स्विमिंग करते रहो आधा घंटा भागीरथी रिवर में, क्योंकि डैम इज लोकेटेड देयर, बट फोन ऑब्वियसली वॉज नॉट अलाउड। हम लोग वहाँ पे सिर्फ 5 जने गए थे, मैं, रौनक, भाभी भैया और हुकूमत भैया, हाँ हम 5 जने गए थे। तो वहाँ पे हम लोग आधे घंटे रुकने थे, लेकिन वो हमें लेने ही नहीं आए। हम लोग वहाँ पे 1 घंटा स्विमिंग किए, मैं और रौनक को स्विमिंग, मुझे और रौनक को स्विमिंग आती, हम तो किनारे पे भी पहुँच गए,
बट सीरियसली एक्सपीरियंस वॉज नेक्स्ट लेवल. अभी आपके शरीर टूटा हुआ है, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. तो अगर आप यहाँ आते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए. पूरा पैकेज वॉज ऑफ अराउंड 1600. एल्स बच्चों ने भी बाद में जेट्स की वगैरह की थी तो बच्चों को हमने 250 वाली ले दी थी. ऐसे पूरा ओवरऑल कॉस्ट रहा. भाभी भाई मैं तो जैकेट पहना ही, मेरे को तो ठंड लग रही थी. डिनर इज रेडी. तो आज खाने में है कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, रोटी, राजमा राइस, बहुत सारा सैलेड, कढ़ाई पनीर, और ये हम सब खा रहे हैं और वो वहाँ खा रहे हैं. क्या प्लान है कल का भाई? फिर ये बताओ कल का टास्क है. सुबह 5:30 आज भी एक्चुअली बहुत सारे लोग जाने वाले थे लेकिन 3 ही लोग गए, वो मैं सुबह बोल चुकी हूँ. कल युशांक जी का प्लान है, ऐसे ये कह रहे हैं. मतलब अब 6 बजे का प्लान बना है फिर फाइनली गार्डन का. तो एक मिनट, अब फाइनल हुआ है कि सभी अभी तक हाँ कर रहे हैं अभी तक. अब कौन कौन कल सुबह जाता है जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कल का व्लॉग. तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय. आपकी बीवी को ये व्लॉग दिखाएंगे मैं आपको चैलेंज देती हूँ, कल का व्लॉग मेरा आप स्टार्ट करोगे सुबह सुबह. कल का व्लॉग ये स्टार्ट करेंगे सुबह 6 बजे. तो भैया हम ऊपर से तो नीचे आ गए हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं कार्ड्स. यार कल जाते हैं कि नहीं जाते हैं उसको देखने के लिए तो आपको अगला व्लॉग देखना पड़ेगा. सो आई होप आपको आज का व्लॉग भी मज़ा आया होगा. ऑल्दो हमने एक वाटर एक्टिविटी पे ही गए थे लेकिन उसमें बहुत फन था. तो कल हम क्या क्या करते हैं उसको देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट व्लॉग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू ऑन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.